चीज अच्छे आपको बड़ा आनंद आएगा, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। इसलिए दो चीजें बताई, कोई कुछ भी करता है इसी बातों को झाड़ दो, दूसरी बात रोज अपनी खिड़की को साफ करो, और लास्ट की तीसरी बात है अगर हमें तनाव से मुक्त बनना है जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर कोई गाली देता है समझो गाली नहीं दी मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव को क्या बना दो, आप जिस स्टेट में जन्म लिए हैं ये है महाराष्ट्र, वैसे तो राष्ट्र तो बहुत है लेकिन ये कौन सा राष्ट्र है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्यों है, हाँ यहाँ का सोना पकता है, क्यों महाराष्ट्र है, क्योंकि यहाँ संत होके गए, बहुत संत होके गए, और आप तो उसी एरिया में रहते हैं जहाँ संतों की भूमि है, यहाँ संत तुकाराम महाराज एकनाथ महाराज वो संत कैसे बने, उन्होंने ज्यादा डिग्री ली थी, उनके अंदर वैल्यूज थे गुण थे, इसलिए आज वो हमारे बीच में नहीं है तो भी लोग उसको याद करते हैं, तुकाराम महाराज को याद करते हैं, एकनाथ महाराज, इसलिए मराठी में कहावत भी है मरावे परी कीर्ति रूपी उड़ावे, इस संसार में आए कुछ ऐसा कर्म करके जाओ लोग आपको युगो युग तक याद करते रहे। किसको याद करेंगे, जो एक का जवाब चार से देता है उसको याद नहीं करेंगे, जो सहन करता है जो शांत रहता है गुणवान है उसको याद करेंगे। तुकाराम महाराज की मैं एक बात आपको सुनाता हूं, तुकाराम महाराज भक्ति करते थे विठल की, नया नया विठल पर चालू हुआ था तो तुकाराम महाराज उसी जब सवेरे शाम भक्ति करते हैं तो गली के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने सोचा कि इसने कौन सा नया पंथ चालू किया, उसको भक्ति करने के लिए मना किया रोका, तब इसने रोका नहीं, इसको अच्छा लगता था तो गली के लोगों ने सोचा इसका हम अपमान करेंगे अपने आप छोड़ देगा, तो सवेरे सवेरे सभी ने क्या किया उस तुकाराम महाराज जी को पकड़ लिया और पकड़ करके उनके गले में बैंगन की सब्जी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची इन सब्जियों की माला बना करके पहना दिया, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में इनको घुमाया, इतना पूरा पेचीदगी करके घर के सामने लाया, उनकी पत्नी जो घर में थी उसको बुलाया कि तुम्हारा पति देव उसको समझाओ, जब उसकी पति देखते मेरे गरीब को आप लोगों ने ऐसा क्यों किया करके सबको गाली देती, जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, निगेटिव बात को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकाली बारात, इस बारात के वालों को चाय पानी पिलाना गाली मत देना, और कहा इनको गाली मत देना मेरे शरीर में फोड़े हो रहे थे ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं ठीक हो जाएगा, और कहा इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे धूप बहुत तेज थी, तेज धूप में लोगों ने पांव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पांव में छाले आए होंगे फोड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ मैं आराम से गले पर बैठा, ऐसा नहीं कि अंदर गया बंदूक निकाली इन सब के मर्डर किया, अगर मर्डर करता हो संत बनता, लेकिन ऐसी भूमि पर आज हम जन्म लिया, लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं, थोड़ा कुछ होता है तो कितना हम क्या क्या करते हैं, इसलिए वर्तमान जरूरी मूल्यों की वास्तव में गणित रखा हिस्ट्री रखी ज्योग्राफी रखी ये सब मूल्य लाने के लिए, इसलिए एक सहन शक्ति का गुण भी सीख के जाओ समाज की कोई परीक्षा में फेल नहीं होगे, और मैंने केवल लेक्चर नहीं किया मैंने भी अपने जीवन में लाया, लास्ट में मैं अपने जीवन का अनुभव सुना करके पूरा करता हूँ, वैसे मैं भी महाराष्ट्री हूँ, महाराष्ट्र में सांगली जिला, सांगली जिले में अटपाड़ी तालुका जो पंढरपुर के आगे है उसी के पास एक छोटा सा गांव तरेवाड़ी करके करगली के पास एक गांव है, उस गांव में मेरा जन्म एक धनगर समाज में जो भेड़ बकरी चराते ऐसे परिवार में हुआ, और हमारे परिवार में 8-8 दिन लोग स्नान भी नहीं करते थे और ना कोई पढ़े नहीं करते, तो मैं खुद भी 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था, तो 11 साल के बाद मन में आया मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तो हमारा घर खेती से 1 घंटा जितना दूर था, तो खेती से मैं क्या क्या गांव में स्कूल में जाना शुरू किया, जब गांव 1 घंटा दूर था तो पहली दिन जब मैं गया तो टीचर ने कहा क्यों नहीं आए पहले क्यों नहीं आए सर, काम ने कहा हमको पता नहीं और घर वालों ने बोला नहीं, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, तो 5वीं कक्षा में 2 ही बच्चे थे क्योंकि पढ़ाने वाला टीचर एक ही था 7 कक्षा की, तो रोज जब जाना शुरू किया 1 साल के बाद 6वीं में फिर 7वीं में, जब
भी कल से भी गए तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल भी नहीं आओ। तो मैंने सोचा आप क्या करें, घर में तुम्हारा क्या है। और मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते भगवान उसको हाथ नहीं देता, चोरी भी नहीं करना है, माँ बाप को तंग भी नहीं करना है, स्कूल भी नहीं छोड़नी है, गलत रास्ते भी नहीं जाना। तो मैंने क्या किया, हमारे गांव में एक दुकान वाला था, उसके पास एक पुरानी रद्दी की डायरी लगी और रद्दी की डायरी को लगा के पानी से उसको धुलाई किया। पहले स्याही से लिखते थे, पानी से धुलाई करके धूप में सुखाया और उसी से डायरी बना करके पढ़ाई किया, ना चोरी की ना गलत रास्ते में गया। और एक दिन आया उसी रद्दी में एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का एक किताब मिला और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखा इतनी बदल दी, आज मैं आपके सम्मुख। तो देखो आज मैंने कोई लेक्चर नहीं किया, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आए लेकिन प्रॉब्लम को क्या बना दिया, पॉजिटिव। एक दो तीन घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन मेरे मन में आया मुझे कुछ लेख लिखने, तो मैंने क्या किया जिंदगी का पहला लेख लिखा, लिखते लिखते दो बज गए, फिर चार बज गए, उसको फेर किया, उसी लेख को फोटोकॉपी करने के लिए एक व्यक्ति के पास ले गया। मैंने कहा इसको थोड़ा फोटोकॉपी करो, उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में डाल दिया, कहता तुम कभी लेखक नहीं बनोगे, जाओ बोल दिया। तो मैंने सोचा शायद इसकी कोई गलती नहीं, मैं लेखक जरूर बनूंगा, पॉजिटिव सोचा और उसी की प्रेरणा लेकर के आज 40 मैगजीन का लेखक हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। अगर वो भाग्य इसी तरह रोज बगीचे में बैठता था, गमले के सामने बैठ करके गमले को समझता थे, माताएं बैठे, यूथ बैठे, 6 साल तक गमले के सामने लेक्चर करने की प्रैक्टिस की, करते करते आज 6000 स्कूलों में 900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। एक दिन मेरे को किसी ने कहा इतनी सारी लेक्चर करते हैं इसके फोटो तरह इंटरनेट में डालूं तो बहुत अच्छे, लेकिन मैंने केवल 5वीं से 10वीं तक 5 क्लास पढ़ाई किया, मुझे तो इंग्लिश वगैरह इंटरनेट तो कुछ आता ही नहीं था, कंप्यूटर वगैरह। तो मैंने कुछ फोटो एक सीडी में डाला, एक व्यक्ति के पास लेके गया, मैंने कहा इसको थोड़ा इंटरनेट में डाल दो, उसने कहा तुम तो 5 पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो इंटरनेट में थोड़े होते, ये तो बड़े बड़े लोगों के होते। मुझे लगा इंटरनेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते आज यूट्यूब में गूगल में कहीं भी बी के भगवान सर्च करो, 40,000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स, 900 से ज्यादा वीडियोस, बहुत सारे ब्लॉग आज इंटरनेट के द्वारा, बहुत सारे वैल्यूज के प्रोग्राम।